इंदौर में जहां एक ओर पुलिस विभाग के अधिकारी जनता की सुरक्षा के लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ शरारती तत्वों द्वारा सराफा थाने पर पदस्थ थाना प्रभारी अमृता सोलंकी का फेसबुक अकाउंट हैक कर उसमें छेड़छाड़ का संगीन मामला सामने आया, जिसको लेकर थाना प्रभारी द्वारा कुछ स्क्रीनशॉट भी लिए गए हैं, तो वहीं वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की गई है। थाना प्रभारी अमृता सोलंकी द्वारा बताया गया कि करीबन 4000 से अधिक उनके फेसबुक आईडी पर फेसबुक मित्र हैं, तो वहीं 11000 से अधिक उनके फॉलोअर हैं, जिसको लेकर वो फेसबुक पर पर्याप्त सुरक्षा करनी पड़ती है और पासवर्ड भी किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं। उसके बावजूद भी कुछ आईटी हैकरों द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी जब वो अन्य कई जिलों में पदस्थ थी, तब भी नवंबर के महीने में उनके फेसबुक को हैक किया गया था और काफी फेरबदल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने शिकायत कर एक युवक को गिरफ्तार भी किया, लेकिन परिजनों द्वारा माफी मांगने पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। लेकिन एक बार फिर उनकी इस प्रकार से फेसबुक हैक होने से वो काफी अचंभित हैं और उनके द्वारा अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की गई है। फिलहाल अभी कई दिनों से महामारी कोरोना वायरस में ड्यूटी के चलते उन्होंने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इस प्रकार की घटना के चलते काफी हताश हैं। हैक करने वाले और फेसबुक में फेरबदल करने वाले बदमाश की तलाश की जा रही है, जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। मैडम, आपका फेसबुक आईडी हैक हो गया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की शिकायत करी और क्या लगता है? मैंने देखा था, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी देखे हैं अभी, और मैं इसकी बात कल ही कर चुकी थी कि इस प्रकार से मेरे आईडी को कोई किसी के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है। इसका संज्ञान मैंने अपने रिश्ते को पहले ही दे लिया था, और आज उसके बाद जब इस तरह का स्क्रीनशॉट आया मुझे पता चला, तो मैं किसी को सफाई नहीं देना चाहती, जो भी कार्रवाई होगी वो हो जाएगी। मैडम, जिस तरह से आप इधर जो सराफा थाने में आप जन सहयोग भी कर रही हैं और कई तरह की मुहिम भी चला रही है, लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई शरारती तत्व ने बदनाम करने के लिए इस तरह से? भैया, क्या है कि मेरे जो फेसबुक आईडी है उसको अगर मैं देखूँ तो 4500 मित्र हैं और 11000 फॉलोअर्स हैं। अब किसके मन में क्या है या कौन कैसे बैठ कर क्या काम कर रहा है, हम उसको नहीं कह सकते। और पिछले दिनों कुछ की ऐसी कार्रवाइयाँ थी जिससे कुछ लोगों ने मेरी आलोचना करी है, संभवतः वो उस आलोचना के उसको देखा जाएगा कि शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा कुछ करने के प्रयास किया। इसके पहले भी नवंबर में जब एक बार मेरी ऐसी फेक आईडी बनी थी, तब भी मैं जिस जिले में कार्यरत थी वहाँ पर भी मैंने इस फेक आईडी को बंद कराया था, और वो भी कोई अपना निकल गया था तो उसके माता जी आके पैर पड़ने लगी कि मेरा बेटा, तो उसको भी उसके ऊपर बिगड़ कार्रवाई छोड़ा था मैंने। तो ये तो सही है कि पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल चल जाएगा, और जो भी होगा उसको मैं करी।